सरगुजा बतौली विकासखंड अंतर्गत जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा बतौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत पोकसरी में जनसभा निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो, सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर के साथ सरगुजा के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस जन समस्या निवारण शिविर में लगभग 25 सरकारी विभागों ने अपना स्टॉल लगाकर लोगों की समस्या आवेदन लिया और जो समस्या तत्काल निराकृत हो सकती थी उनका तत्काल निराकरण किया गया। इस जन समस्या निवारण शिविर में बतौली मंडल के नागरिक भारी संख्या में पहुंचे थे। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो एवं सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर का स्वागत सीतापुर एसडीएम रवि राही ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा एवं राष्ट्रगान के उपरांत हुई। सभी विभागों के सदस्य ने अपने विभागों की योजना कार्यों को लेकर वाचन किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अपनी समस्या और मांग को लेकर आवेदन संबंधित विभाग के स्टॉल में जमा किए। विभागों द्वारा 322 लाभान्वित हितग्राहियों को अनेक प्रकार का सामान जैसे पानी, सिंचाई हेतु डीजल पंप आदि प्रदान किया गया। सीतापुर विधायक कुमार टोप्पो ने लोगों को संबोधित करते हुए सीतापुर के विकास के लिए अपने बनाए सिद्धांत शिविर का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन और विकास, रोजगार को लेकर काम कर रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा महत्व मैंने शिक्षा को दिया है। आज जिला स्तरीय समाधान शिविर पुक्सरी में आयोजित था। कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जो समाधान शिविर में आवेदन दिया गया था त्वरित निराकरण करने का अवसर मिला और कई लोगों का समाधान भी हो गया। आपके द्वारा मंच में बोला गया कि जनता के द्वारा जो भी आवेदन दिया गया है वह उनकी व्यक्तिगत समस्या है और आपने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया मंच के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के तहत आश्वासन भी दिया कि जो भी आवेदन मिलते हैं उनका तत्काल निराकरण करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मंच के माध्यम से जो आवेदन आया था वो आवेदन बेकार नहीं जाएगा और हम लोग एक एक आवेदन पे नज़र रखे हुए हैं। जो भी अधिकारी गड़बड़ करने का प्रयास करें उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा बना और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देसाई जी के निर्देश पे ये विकास खंड में जन समस्या निवारण हुआ, लेकिन जिला स्तरीय था और जिला के आला अधिकारी कलेक्टर सहित अन्य सभी अधिकारी आए थे और वो दिन दूर नहीं कि कार्यालय हर गांव में पहुंच रहा है, जो हमारी सरकार की सोच है और इसमें हजारों आवेदन आए और लगभग आवेदन का निराकरण हो गया है और इसका वृहद और आगे भी समस्या निवारण हर पंचायतों में लगेगी और जनता का काम बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। आज जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ था ग्राम पोकसरी ब्लॉक बतौली में, जिसमें माननीय विधायक महोदय जी का भी आगमन हुआ, उनके मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ है। माननीय कलेक्टर साहब का भी इसमें आगमन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन की जो मंशा है वो है कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो ग्राम तक पहुँचे, तो इसी कड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा पूरे ज़िले में शिविर लगाया जा रहा है, तो उस तारतम्य में आज पोकसरी में शिविर था। तो ये जो शिविर था ये थोड़ा अलग प्रकार का था, इसका मॉडल अलग था। इसमें ये था कि आमतौर पे ये होता है कि शिविर के दिन ही आवेदन आते हैं और उनका निराकरण किया जाता है। कई सारे आवेदन इसमें पेंडिंग रह जाते हैं या फिर लंबित रह जाते हैं, तो इसका मॉडल था कि 15 दिन पहले से आवेदन कलेक्ट करना। तो जितने भी विभाग थे सभी, इसमें हम लोगों ने 16 गांव चयन किया था इस क्लस्टर में, तो 16 गांव में सभी विभाग जो हैं अपने सर्वे के माध्यम से घूम घूम करके आवेदन कलेक्ट किए और आज उसका निराकरण पढ़ के सुनाया गया। तो ये दूसरे प्रकार का शिविर था। इसमें कुल 1540 आवेदन जो हैं विभागों ने कलेक्ट किया था अपने लेवल से और उसका निराकरण किया गया। 1064 आवेदनों का निराकरण आज ही कर दिया गया, 15 दिन पहले जो आवेदन लिए गए थे उसका शेष जो आवेदन है उनका भी निराकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आज भी जो लोग हैं स्थल पर भी लोगों ने आवेदन दिया है, तो बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिया, 426 आवेदन आए हैं। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कुछ मांग है, तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। सभी विभागों को माननीय विधायक जी के द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देशित किया गया है। इसमें क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए, जनपद CEO, तहसीलदार, TI उपस्थित हुए और सभी जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी उपस्थित हुए और शिविर को संपादित करा। यहाँ जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगा था यहाँ पोकसरी में, जिसमें पूर्व में भी सर्वे करके क्षेत्र का समस्याओं को उठाया गया था, जिसका निवारण यहाँ तत्कालिक मंच में बताया गया और साथ ही साथ तत्काल रूप से भी जनता का समस्या को लिया गया, जिसमें सभी विभाग यहाँ उपस्थित रहे।
क्षेत्र में कुछ अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। पहला, रीपा का संचालन एवं मैनेजमेंट पूरी तरह से बंद है, और दूसरा, आंगनवाड़ी सहायिका की जो नियुक्ति हुई है पूर्व में, उसमें भारी स्तर में अनियमितताएं पाई गई, जब बार बार शिकायतें मिल रही हैं, उसके बाद भी ना तो जाँच हो रहा है ना तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीपा जैसे योजना के लिए अभी प्रेजेंट की सरकार इस पर योजना बनाएगी और जो भी इस पर होगा निर्देशन उस पर काम होगा, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्य जो कार्यकर्ता भर्ती हैं जो पूर्व में किया गया है, अगर किसी प्रकार का घोटाला है, अभी तक तो मेरे पास ये समस्या नहीं आई है, लेकिन आता है यदि तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएंगी, और यदि विभाग में समस्या गया है तो इसकी जानकारी हम लेंगे। मंगलायतन यूनिवर्सिटी डेढ़ दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा, 70 एकड़ में फैला 8,000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAK+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।